उसके बाद हम बात करते हैं बायसिंग की, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग क्या होता है? जब हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस द डायोड, इट इज कॉल्ड बायसिंग। बाहर से हमने कोई बैटरी लगा दी तो उसे हम कहेंगे कि हमने डायोड को बायस कर दिया। अब ये डिपेंड करता है जो पोलरिटी है बैटरी का, कौन सा टर्मिनल किस साइड आपने लगाया है डायोड के, तो उसके हिसाब से ये दो टाइप का हो सकता है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग की। इफ द एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सच अ वे दैट पी रीजन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द डीसी सोर्स एंड द एन रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द डीसी सोर्स, द बायसिंग इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसे पी रीजन से कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल को एन रीजन से कनेक्ट किया, तो डायोड होगा फॉरवर्ड बायस। इसके लिए डायग्राम देखिए, फॉरवर्ड बायस होगा तो किस तरीके से ये वेव करेगा, किस तरीके से इसका फंक्शन होगा। तो हमने देखिए यहां पर ये पी सेमीकंडक्टर है, ये एन सेमीकंडक्टर है, पी को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया और एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया, ठीक है। यहां पर एक रेजिस्टेंस हम लगाते हैं जिससे इस बैटरी की वजह से ऐसा ना हो कि डायोड कहीं डैमेज हो जाए, तो ये करंट को लिमिट करता है, इसे हम करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं लगाया तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा, उसकी वजह से डायोड डैमेज हो सकता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस और इसे लगाना होता है। ये फॉरवर्ड बायस के लिए डायग्राम है। तो जब मैंने इस तरीके से बैटरी को कनेक्ट किया तो इसकी वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव साइड है बैटरी का, तो यहां पर जो ये एन है तो इसमें मेजोरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये पी है इसमें मेजोरिटी में है होल्स। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है तो नेगेटिव साइड है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, धक्का देगा यहां से, और ये पॉजिटिव साइड है फिर ये इन्हें अट्रैक्ट भी करेगा, इन्हें अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरीके से मूव होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से मूव होंगे तो करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, जैसे द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जिसमें जो करंट फ्लो होगा। अब इस वोल्टेज की जो वैल्यू है, जो इसका कट इन वोल्टेज होता है उससे ज्यादा होनी चाहिए, जो बैरियर पोटेंशियल था उससे ज्यादा होगी जब ये करंट फ्लो होगा। जैसे अभी हमने बताया सिलिकॉन वाले में, सिलिकॉन डायोड है अगर, तो 0.7 वोल्ट होना चाहिए। ये वैल्यू जो बैटरी आप लगाने वाले हो 0.7 से ज्यादा आप लगाओगे तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, कम लगाओगे तो नहीं होगा। तो व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एज लॉन्ग एज द अप्लाइड वोल्टेज लेस देन द बैरियर पोटेंशियल देयर कैन नॉट बी एनी कंडक्शन, वही बताया हमने, कोई कंडक्शन नहीं होगा बैरियर पोटेंशियल से अगर कम होगा तो। व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज बिकम मोर देन बैरियर पोटेंशियल द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी फोर्सेस द फ्री इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट बैरियर पोटेंशियल, ठीक है ना, ये ना धक्का देगा, ये बैरियर पोटेंशियल यहां पे लगा हुआ है उसके लिए एक धक्का देगा फ्रॉम एन टू पी रीजन। सिमिलरली दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं, सिमिलरली पॉजिटिव टर्मिनल पुशेस द होल्स फ्रॉम पी टू एन। अगर होल्स की बात करें तो आप होल्स को भी देख सकते हो, ये होल्स हैं और यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव सेम चार्ज होता है रिपेल करता है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देगा, तो इन्हें ये इधर रिपेल करेगा। आप किसी एक को कंसीडर करके करिए, मैं इलेक्ट्रॉन्स को लेके कंसीडर करके चल रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं करंट इस तरीके से मूव कर रहा है, होल ऐसे मूव कर रहे हैं तो होल की डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो वही बात सही है, ठीक है। एज फॉरवर्ड बायस इंक्रीज मोर नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन, जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायस बढ़ाएंगे, जो वोल्टेज है उसे आप बढ़ाएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस करेंगे। दीज मेजोरिटी कैरियर्स कैन ट्रेवल अराउंड द क्लोज सर्किट एंड रिलेटिवली लार्ज करेंट फ्लो, एक लार्ज करेंट फ्लो होता है, ये क्लोज सर्किट में फ्लो करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बता चुके हम आपको। देयरफॉर द करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो करंट आप देख रहे हैं फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है, ये करंट इस तरीके से इधर इधर ये करंट आपका फ्लो होगा, ठीक है ना, इधर से फ्लो होते हुए इस तरीके से करंट आपका कन्वेंशनल करंट है। एक और इसमें होता है ड्यू टू फॉरवर्ड बायस डिप्लीशन विद ए डिक्रीज, जो डिप्लीशन विद है वो डिक्रीज हो जाएगी। पहले यहां पर कोई चार्ज कैरियर नहीं था डिप्लीशन रीजन में, लेकिन इस समय यहां पर चार्ज कैरियर अवेलेबल है, मूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से डिप्लीशन लेयर है वो
कम हो जाते हैं उसकी वजह फॉरवर्ड बायस में। क्लियर है? रिवर्स बायसिंग और पीएन जंक्शन डायोड, ये दूसरा बायसिंग होता है जब पी रीजन को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन रीजन को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, तो डायोड होता है रिवर्स बायस, रिवर्स बायस होगा। अब यहां पर हमने इसे नेगेटिव से कनेक्ट किया है, इसे पॉजिटिव से, पी रीजन है तो इसमें मेजोरिटी में क्या होगा, होल्स, एन रीजन है मेजोरिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो सारे होल्स इधर आ जाएंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, अपोजिट चार्जेज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो इन्हें ये अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इधर जाएंगे, तो बेसिकली ये जो जंक्शन था इससे दूर जा रहा है, दिख रहा है साहब? तो यहां पर जो डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ जाएगी, उसकी वृद्धि है वो बढ़ जाएगी रिवर्स बायस में, आप देख पा रहे होंगे इजीली। और कोई करंट फ्लो होगा इसकी वजह से? नहीं होगा, बिकॉज कोई भी मेजोरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन इसमें एन टाइप है तो यहां पर माइनॉरिटी में क्या होगा, होल्स होंगे, कुछ होल्स माइनॉरिटी में होंगे, इसी तरीके से यहां पर माइनॉरिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इनकी वजह से अगर हम देखते हैं तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इसे क्रॉस करेगा, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन है तो करंट किधर फ्लो होगा, करंट आपका इधर एक फ्लो होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दिस इज द करंट और ये होगा रिवर्स करंट। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, आप देख रहे हैं बहुत कम है, तो इस करंट की वैल्यू भी बहुत कम होगी, तो रिवर्स करंट होता है वो बहुत कम होता है, और वो किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा, तो वही हमने सब यहां पर आपको लिख के भी एक्सप्लेन किया है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी अट्रैक्ट द होल्स, पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ दिस होल्स फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड नो करंट फ्लो ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर का ये एक्शन हो गया, डिप्लीशन लेयर है वाइडर हो गई, डिप्लीशन लेयर स्टॉप ग्रोइंग व्हेन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज। एक और चीज है कि जो डिप्लीशन लेयर बढ़ती जा रही है कहां पर वो स्टॉप होगी, जब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, जो पोटेंशियल है, जो डिफरेंस है बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज, जो डिप्लीशन लेयर है वो स्टॉप होगी ग्रोइंग जब डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, वो इक्वल हो जाएगा अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज के। उसके बाद माइनॉरिटी कैरियर की बात करते थे, माइनॉरिटी कैरियर करंट, तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी माइनॉरिटी कैरियर एग्जिस्ट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द जंक्शन, थर्मल एनर्जी की वजह से ये होंगे, टेम्परेचर की वजह से जनरेट होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, दिस माइनॉरिटी कैरियर क्रॉस द जंक्शन एंड कंस्टिट्यूट अ स्मॉल करंट कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट, और इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एस और आई नॉट से। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज दिस करंट इंक्रीजेस, तो जो माइनॉरिटी कैरियर करंट होता है वो इंक्रीज होता है विद टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है। फॉर वन डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज, एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर आई नॉट है जो रिवर्स सैचुरेशन करंट, दैट इज इंक्रीजेस बाय 7% से ये इंक्रीज हो जाता है एंड गेट्स डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर यह रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो डबल हो जाता है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर 7% बढ़ता है। क्लियर है? उसके बाद एक डायोड इक्वेशन आती है, डायोड करंट इक्वेशन, डायोड के थ्रू आप करंट कैसे निकाल सकते हैं, तो ये आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन, यहाँ पर जो आई है वो डायोड करंट होता है, आई नॉट है डायोड रिवर्स सैचुरेशन करंट है, वी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, ईटा है वो कॉन्स्टेंट होता है जो जर्मेनियम के लिए 1 होता है और सिलिकॉन के लिए 2 होता है, वी टी है वो थर्मल वोल्टेज है जिसकी वैल्यू 26 मिलीवोल्ट होती है एट रूम टेम्परेचर, तो वी टी इज इक्वल टू के टी बाई क्यू, इसकी वैल्यू निकालते हैं, जहां पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10^-23 जूल पर केल्विन, और क्यू इलेक्ट्रॉन चार्ज है 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, टी टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन, तो वी टी आता है वो टी अपॉन 11600 11600
ये वैल्यू आती है, इसे आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, कई बार आपको डायोड करंट निकालने के लिए न्यूमेरिकल में यूज हो सकती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये डायोड इक्वेशन थी, और इसमें हमने बायसिंग भी पढ़ी इस लेक्चर में, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस। थैंक यू।